But we have to do in this organic, organ specific and tissue specific manifestation. मैनिफेस्टेशन का मतलब है अटैक. मैनिफेस्टेशन का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो अटैक, दैट मींस व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैथोजेंस दे अटैक टू योर बॉडी. अब उसमें क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक में अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक है, दैट मींस इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक ऑर्गन. सेल टिश्यूज पर रेफर करता है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल अटैक, ठीक है, तो मतलब अफेक्ट द पर्सन बॉडी. अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, दे अटैक टू द सम स्पेसिफिक ऑर्गन. जो मैनिफेस्टेशन है दैट ऑफ, मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज, दैट डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि फ्रॉम वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स. मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एंट्री. सपोज इफ वी आर लाइक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू आर नोज, तो वेयर दे विल अफेक्ट, नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट मीन्स दे विल अफेक्ट आर लंग्स, ठीक है. देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू आर माउथ विद द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर, तो दे विल अफेक्ट आर गट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. इन द सेम वे व्हेन द इंसेक्ट बाइट, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, व्हेन दे बाइट, व्हाट दे विल डू, व्हेन दे विल बाइट, तो हां इट इज ऑटोमेटिकली, मतलब थ्रू आउट टोटल ब्लड स्ट्रीम में चला, ठीक है. तो दीज मैनिफेस्टेशन दैट मीन्स अटैक, ये रेफर क्या कर रहा है कि इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर ऑर्गेन, सेल और टिश्यू. बट जो मैनिफेस्टेशन है दैट डिपेंड अपॉन द एंट्री, पॉइंट ऑफ द एंट्री, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दे विल अफेक्ट दैट पर्टिकुलर टारगेट, मतलब दे विल एंटर इनटू द टारगेट. एज यू कैन से कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू योर बॉडी, तो बॉडी का एंटर करने के बाद ये कहाँ जाएगा, टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेन, उसको टारगेट करेगा. व्हेन इट विल टारगेट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेन, आफ्टर दैट दे विल मल्टीप्लाई, इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. After that growth, they affect. जैसे in example, if I am taking one example, like TB है, tuberculosis, it is caused by the mycobacterium, ठीक है, and it affect, ये वहाँ पे जब उसमें lungs में जाएगा, it multiply over there and उस organ को ये पूरा का पूरा effect करे. उसी तरह से अगर हम बात करें typhoid है, typhoid जो है वो salmonella से caused होता है. जब वो साल्मोनेला से कोज होगा, जब वो बॉडी में एंटर कर गया, इट विल अफेक्ट आवर इंटेस्टाइन. कोज मतलब टाइफाइड इज कॉज बाय साल्मोनेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देन इट विल अफेक्ट आवर द इंटेस्टाइन, ठीक है. इन एनी केस, लाइक अगर हम ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास थ्रू नोज है, थ्रू माउथ हो गया, थ्रू इंसेक्ट बाइट हो गया. अब जो एच आई वी है, दैट इज द जो एड्स है, ठीक है, दैट इज थ्रू द सेक्चुअल कॉन्टैक्ट, वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है. अब जब ये हमारी बॉडी में सेल्स में ये सारे चले गए, तो जैसे जैसे दे एंटर, अब उनके साइन एंड सिम्टम्स भी अलग होते हैं. थ्रू साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ द, यू कैन से, टारगेट है ऑर्गन, कौन सा टारगेट है. सपोज इफ वी आर हैविंग अ कफ, स्नीजिंग, ठीक है, कफ है, स्नीजिंग है, या ब्रेथलेसनेस है, दैट मीन्स हमें कौन सा टारगेट ऑर्गेन है, ठीक है. अगर हमारे कह लो फिट्स पड़ रहे हैं, हेडेक है, वॉमिटिंग है, एट दैट टाइम विच टारगेट ऑर्गेन, ब्रेन. व्हेन हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स, देन द ब्रेन इज अफेक्टेड. अब जब वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है थ्रू ब्रेन, ठीक है. जॉन्डस है, दैट मीन्स दैट अफेक्ट द लीवर, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑल्सो, जिससे हमें टारगेट ऑर्गन पता लगता है. आफ्टर दैट इफ वी विल टॉक अबाउट द टिश्यू स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया, टिश्यू स्पेसिफिक पे जब हम जाते हैं, एट दैट टाइम व्हेन दे एंटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट आवर टिश्यू, ठीक है. व्हेन दे विल अफेक्ट आवर टिश्यू, टिश्यू को अफेक्ट करते ही, जैसे ये टिश्यू को अफेक्ट करेंगे, टिश्यू में अफेक्ट करते इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता, इम्यून सिस्टम विल एक्टिवेट. Then the immune system, when it activate, it kills or destroy the microorganism. समझ आया? Organ से ये हमें पता लग गया. When they attack our tissues, तो tissues के through, जैसे ही they attack on tissue, then immune system activate, and after that they will kill the microorganism.
ठीक है, दैट इज डन बाय द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इफ वी विल से इन अ लेमन लैंग्वेज दैट मीन्स असाइन द जॉब्स और ड्यूटीज, रिक्रूट करना है ना. उसी तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मीन्स द नंबर ऑफ द सेल्स, वो इश्यूज जो है द नंबर ऑफ सेल्स को दे विल प्रोवाइड द फंक्शन, हाउ दे हैव टू फाइट विद दैट, दैट इज थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में when they assign the number of the cells, that time inflammation occurs. Inflammation occurs means swelling हो सकती है, आपके pain हो सकती है कुछ specific area में, rashes पड़ सकते हैं, या you can say fever हो सकता है. These अगर when it affect our tissues, जब ये tissues को affect करता है, immune system activate. Immune system activate होने पे it destroy or kill the microorganism. When it kill or destroy the microorganism, process continue. This is done by the recruitment process. Recruitment process means the number of cells active, मतलब combined, they will work on it. ठीक है, they will defend you. ठीक है, then जब recruitment होती है, यानी कि recruitment process is going on, तब जो हमारे पास symptoms और signs नजर आते हैं, that is in the form of inflammation. Inflammation means like swelling to a particular area में. जब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो स्वेलिंग हो सकती है, फीवर है, पेन हो सकती है. सपोज यहाँ पे सर्वाइकल की पेन है तो आपकी स्वेलिंग नेक पे नजर आती है. ठीक है, देन लाइक स्वेलिंग अप, इन्फ्लेमेशन अप. हाँ हाँ जी,